नमस्कार, प्रणाम इंडिया तकराज देवी न्यूज़ की तरफ से विजय रिपोर्टर और भोजपुरी समाज को तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग मुहिम को जारी रखे हैं और इसी तरह मुहिम को जारी रखिए। और सैल्यूट है मंगिया भाई जवान को, दोनों भाई को, और नंद किशोर बाबा को भी सैल्यूट है कि भोजपुरी समाज में अश्लीलता के खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। और उम्मीद ना पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी सुधर जाएगा, कि अभी लग रहा है कि ख़त्म हो रहा है। नमस्कार, अभी लग रहा है कि बहुत जल्दी ख़त्म होने जा रहा है। नमस्कार भाई, नमस्कार, कैसे हैं आप? और अभी सुधार आ रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, हर कलाकार अभी एक से एक गाना निकालते जा रहे हैं और बहुत जल्द अश्लील मुक्त हो जाएगा। उम्मीद में पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं जातिवाद आ जा रहा है अभी, क्योंकि खेसारी भाई जो भी गाना निकाला है उसमें भी जातिवाद आया है। और इस जातिवाद को छोड़ करके गाना गाइए ताकि किसी को दुख ना झेलना पड़े। यादव हो या सिंह हो या चाहे कोई भी जात हो, अपनी जाति को छिपा करके गाना गाइए और जाति को लेकर के गाना मत गाइए, क्योंकि जाति की वजह से आप तो गाना गा देते हैं और दुख झेलना पड़ता है, लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है। अगल बगल में जहाँ भी गाना बजता है वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है। तो आप लोग से अनुरोध है, कृपया अपने नाम से गाना गाइए, सिंह और भुइहार और राजपूत से नाम से मत गाना गाइए। गाना है तो सीधी शब्दों में गाइए, नाम की ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसकी पहचान ही काफ़ी होता है। तो अपनी पहचान को बरकरार रखते हुए अच्छे से गाना गाइए ताकि किसी को कोई कष्ट ना हो। चाहे खेसारी लाल यादव हो या पवन सिंह हो या रितेश पांडे हो या समर सिंह हो या गुंजन सिंह हो या चाहे जो भी स्टार हो, सभी से अनुरोध है। यादव जी के बेटा है, चाहे पांडे जी के बेटा है, चाहे पांडे जी है, कुछ भी मत गाया करिए आप लोग, अश्लील मुक्त करिए। हम गाली किसी को नहीं देना चाहते हम, क्योंकि हमारा नियम है, हम एक रिपोर्टर हैं तो अपने नियमों को उल्लंघन नहीं करूँगा और मुझे ये चीज़ नहीं कहना है। सुधार हो रहा है, लेकिन सुधारिए, इतना सुधारिए कि कहीं कोई कष्ट ना हो और कहीं कोई दिक्कत ना हो। नाम को छोड़ करके बाकी सब काम करिए, अच्छा रहेगा। हमारा न्यूज़ देखिए चल रहा है, टीवी पे चल रहा है और कंटिन्यू चालू रखते हैं, मुहिम चलता रहेगा इसी तरह से। और ये देखिए हमारा मुंबई का न्यूज़ चल रहा है अभी, इससे पहले अश्लील का न्यूज़ चल रहा था, आप लोग देखते हैं। और मेरा चैनल है इंडिया तक राजदेवी न्यूज़, इसी तरह से प्यार देते रहिए। और बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस गांव समाज में विकास होता है तो किसी को भी खुशी होता है और कोई भी चाहता है कि हमारा गाँव समाज का विकास हो। बस इतना ही है कि आप लोग जो भी कर रहे हैं तो अच्छा करिए, किसी को कोई कष्ट ना हो। गाना बजाने से, आपको बता दें कि गाना बजाने से बहुत सारे लोगों को समस्या होता है, किसी का सर फूटता है, किसी को जान से भी जाना पड़ता है और अगल बगल में लड़ाई होता है, कैसा कैसी हो जाता है। आप तो गाना गा के पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन गांव वाले को समस्या झेलना पड़ता है और लड़ाई झगड़ा, शराब दारू गांजा सब पीने लगते हैं एक गाना के वजह से। तो इस तरह के आप लोग गाना बनाइए ताकि क्या है ना कि कोई तकलीफ ना हो किसी को। बस इतना ही आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे स्टार भाई सब के पास पहुँचे। और अश्लील मुक्त हो रहा है, दिख रहा है और बहुत जल्द सुधार हो जाएगा। मगहिया भाई दोनों जवान लड़ रहे हैं और नंद किशोर बाबा भी लड़ रहे हैं और रवि किशन भाई जी जो सांसद है
गोरखपुर से, उन्होंने भी बयान दिया है और सभी मंत्रियों को नोटिस भेजे हैं। अश्लील के खिलाफ बहुत जल्दी कानून भी बन जाएगा और जो भी गाना बनता है उसके ऊपर भी सेंसर लगने का चांस है, क्योंकि अश्लील को आप लोग बढ़ावा देते हैं। अश्लील मत सुना करिए, और अश्लील जो गाता है उसको आप, मगैया भाई बोला है कि रिपोर्ट करिए, तो रिपोर्ट करते जाइए ताकि वो डिस कनेक्ट हो जाए और वो वीडियो ना चले। तो बस आप लोग से इतना ही अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और सुझाव जो भी रहेगा आप लोग दे सकते हैं। इसी तरह देते रहिए और भोजपुरी बचाओ चलाते रहिए, मुहिम जारी रखिए। और बाकी तो और कुछ बहुत कुछ करना है, क्योंकि अपने यूपी बिहार में बहुत सारा भ्रष्टाचार भी चल रहा है, जैसे कि मजदूर को पैसा खाना, गरीबों को हक खाना, ये सब कंटिन्यू चल रहा है। तो इस चीज़ पे भी एक्शन लिया जाए, और सभी के पास मोबाइल है, सभी के पास नेट है, तो इस चीज़ को वेस्ट मत करें, और गाना में और इधर उधर जो भी आप टाइम पास करते करिए समय समय से, लेकिन जो अश्लील फैला रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई करिए आप लोग। और जो गांव में विकास के नाम पे चंदा वसूल रहा है उसके लिए भी एक्शन लीजिए आप लोग, और जो भी भ्रष्टाचार फैला रहा है उसके ऊपर भी एक्शन लीजिए, क्योंकि गांव समाज का विकास जरूरी है दोस्तों। और अभी जागने का समय है इसी दौर में, अब जाग जाओगे तो आगे विकास का दौर जारी रहेगा। जो भी स्टार लोग बनते हैं तो अपना अपना सब जेब भरते हैं, किसी का कोई तो कुछ करता नहीं है। तो आप लोग अपने बारे में भी सोचिए और गांव के बारे में भी सोचिए, सभी के लिए सोचिए। जो भी बनता है अपनी मेहनत से बनता है, बनने दीजिए, उससे कोई बहस नहीं है। कोई करे ना करे, नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं। सोनू सूद देखो कितना कर रहे हैं, और जिसके पास पावर है भगवत पांडे, उनका फेसबुक आईडी पे जाके देखिए, उनको लाखों लोग जानने लगे हैं। और आजकल कोरोना काल में हीरो बना हुआ है सोनू सूद और दूसरा भगवत पांडे, जो कि हर गांव में जहाँ जहाँ उनका एरिया है उस एरिया में जाकर के गरीबों को भोजन देते हैं, और बाकी को भी मतलब जो भी उनसे होता है उतना करते हैं, ज़्यादा भी करते हैं। तो इस तरह के कोई भी स्टार, हमारे स्टार जो भी है, हमारे स्टार है कि खेसारी लाल यादव हो या पवन सिंह हो या रितेश पांडे हो, कोई भी हो, तो वो लोग आए नहीं हैं और इतना सपोर्ट भी नहीं किए हैं। फिर भी हमें ज़रूरत नहीं है किसी का, और हमें जो भी मिलता है हम लोग करते हैं और अपना मेहनत करके खाते हैं। तो हम लोग ये करें कि गांव समाज में जो भी हमारे सरकार से फंड मिलता है वो चीज़ को मिलना चाहिए, और सीधे तरीके से मिलना चाहिए। तो घूसखोरी बंद होना चाहिए, जैसे कि घर मिलता है तो 10,000 15,000 घूस देते हैं, ये सब बंद होना चाहिए दोस्तों। आप सभी के पास मोबाइल है, और आप सभी लोग, कोई भी अगर आता है, सचिव आता है चाहे कोई भी आता है, पैसा लेता है, आप वीडियो बनाइए बिंदास। अगर आप सामने से नहीं बना सकते हैं तो मोबाइल को चालू करिए कैमरा, और जेब में रखिए मोबाइल, वीडियो बन गया उसके बाद उसको दीजिए पैसा जो भी देना है, उसके बाद केस करिए, नहीं एक्शन लेता है। वीडियो ऐसा चीज़ है दोस्तों कि वायरल ऑटोमेटिक हो जाएगा, और ऑटोमेटिक उस आदमी को अंदर जाना पड़ेगा, और सरकार तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, ताकि सरकार को पता चलेगा कि हाँ हमारे देश में जो भी सचिव है चाहे नेता हो या वार्ड हो इतना पैसा खाता है, गरीबों को हक नहीं पहुँचता है। तो इस चीज़ को पहुँचाने का काम करिए, और गांव का विकास के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि जब तक आप लोग घर पे हैं तब तक कुछ ना कुछ करिए, ताकि कुछ भी हो जाए और गांव का विकास हो। और दूसरी बात ये बोलूँगा कि अपने क्षेत्र में बिहार या यूपी में विकास बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जैसे कि कंपनियां नहीं हैं, जैसे कि बहुत सारे चीज़ नहीं हैं, और आप लोग चाहोगे तो हर चीज़ हो सकता है। आप लोग को सिर्फ लड़ना है और हक की लड़ाई लड़ना है, ताकि ना विरोध करना है ना किसी को गाली देना है। एकदम प्यार से सरल भाषा में सभी से बात करो, और सभी के साथ मिलजुल के काम करो, और कोई विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, कौन नेता आया कौन नेता गया। हमें सिर्फ चाहिए विकास चाहिए, कोई नेता से हमें मतलब नहीं है, हमें जो विकास करेगा वो नेता चाहिए। तो इसी पद पर काम करते हुए काम करना है, ठीक है।
हर गांव में विकास होना जरूरी है और इसी पद पे काम करते रहना है ताकि हमारे गांव समाज में अच्छा विकास हो और अच्छे बर्ताव हो, इसी पद पे काम करना है। और अश्लीलता तो फैलता रहेगा दोस्तों, ये अश्लीलता बंद होने वाला जल्दी नहीं है, क्योंकि पागल कुछ सिंगर लोग जो है कि अश्लीलता फैला रहे हैं आजकल हिट होने के लिए। सभी सिंगर लोग हिट होने के लिए ही किया है और आगे बढ़ने के लिए शुरू में सभी लोग ऐसा करता है और उसके बाद जा कर के फिर थोड़ा मिक्स कर कर के चलाते हैं ताकि मतलब दब जाए, क्योंकि इतना दिन पहले से नहीं हो रहा था, और नहीं हो रहा था इसलिए कि कोई किसी के पास टाइम नहीं था। ये कोरोना काल जो समय चल रहा है इसमें बहुत लोग बर्बाद हो चुका है, हर लोग बर्बाद है। मैं भी 2-3 लाख का झटका में पड़ा हूँ, सब लोग बर्बाद है। मेरा घर मैं मुंबई में लिया था, मुंबई में मैं घर लिया था वो भी बर्बाद हो गया। लॉकडाउन के चक्कर में मैं गांव गया तो सारे गैस चूल्हा वगैरह जो भी सामान था सारे नाश हो गया, तो हम किसको बोलने जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो भी है यहाँ पर कोई किसी का सुनता नहीं है। अगर नसीब आप अजमाएँ मिल गया तो नसीब आपका, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ नसीब आजमाना पड़ता है। मुंबई ऐसा शहर है इसमें नसीब आजमाते रहो। अगर ठेला बन के यहाँ पे रहोगे तो ठीक है, अगर जबान लड़ाओगे तो जाओगे, फिर कोई काम का नहीं रहोगे। तो इसलिए बोलूँगा दोस्तों कि अच्छे लेवल से काम करिए। फिर मिलते हैं कल, और हमारे चैनल पे नहीं गए हैं अभी तक आप लोग तो चैनल को पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने गाँव समाज का न्यूज मुझे भेजिए, हम चलाएँगे सभी का वीडियो, और आप सभी का सपोर्ट करेंगे और जितना हो सकेगा उतना सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने गांव समाज के लिए हाथ उठाइए, और जय भोजपुरी समाज, जय हो मगैया समाज, और जय हो मखी वाले भाई। धन्यवाद आप सभी का, और आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और आगे शेयर करते रहिए दबा के, ठीक है। इस तरह का इंटरव्यू कोई नहीं देगा, हम देंगे और हर रोज़ देंगे। धन्यवाद, सपोर्ट करिएगा तभी देंगे ना, ओके। चलिए अभी कितना बज रहा है, 12:30 होने जा रहा है, अभी सोने जा रहे हैं। कल फिर वीडियो चढ़ाना है और वीडियो फिर चलाएंगे, उसके बाद फिर कल लाइव आएंगे, कल फिर बात करते हैं आप सबसे, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, आपका दिन आपका रात शुभ हो। धन्यवाद।